गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज का आपका ईवीएस का चैप्टर नंबर 4 है स्वीट होम, कि हमारा प्यारा घर। घर में अब कौन कौन से रूम होते हैं, कौन से रूम में हम क्या करते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो, वी लिव इन अ हाउस, हम कहाँ पर रहते हैं, एक घर में रहते हैं हम। द हाउस इन विच वी लिव विद आवर फैमिली इज कॉल्ड अ होम, कि ऐसा घर जिसमें हम अपनी किसके साथ रहते हैं, फैमिली के साथ, परिवार के साथ रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, होम। देखो, दिस इज माय होम, इट इज मेड ऑफ ब्रिक्स सीमेंट स्टोन, कि ये मेरा घर है और किससे बना हुआ, ईंटों से, सीमेंट से, पत्थरों से। इसमें क्या क्या बताया गया है कि इसमें क्या है, एक छोटा सा बगीचा है, इसके सामने, घर के सामने क्या है, एक छोटा सा बगीचा है, और इसमें बहुत सारे कमरे हैं और क्या है, खिड़कियां हैं, विंडोज हैं। ईच रूम इज यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस, कि हर एक रूम अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है, कहीं पे हम बैठते हैं, कहीं पे हम खाना खाते हैं, कहीं पे हम क्या करते हैं, नहाते हैं। देखो, जैसे इधर देखो, ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम में हम क्या करते हैं, वी रिसीव आवर गेस्ट इन दिस रूम, कि जब भी हमारे घर कोई मेहमान आता है तो हम कहाँ बैठाते हैं उन्हें, ड्राइंग रूम में बैठाते हैं। बेडरूम में हम क्या करते हैं, वी स्लीप इन द बेडरूम में हम सोते हैं। बाथरूम में हम क्या करते हैं, वी टेक बाथ, कि हम नहाते हैं। किचन में हम क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। स्टोर रूम में क्या रखते हैं, वी यूज स्टोर रूम टू कीप थिंग्स, कि जो ज्यादा चीजें हो जाती है, ज्यादा मात्रा में चीजें होती है, तो हम उनको क्या, कहाँ रख देते हैं, स्टोर रूम में रख देते हैं। फिर इधर क्या है, डाइनिंग रूम में क्या होता है, वी ईट फूड इन द डाइनिंग रूम, हम वहां पर क्या खाते हैं, खाना खाते हैं। आगे देखो, हेल्पिंग एट होम, कि हमें घर पर कैसे मम्मा की हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। आई हेल्प माई पेरेंट्स टू कीप माई होम क्लीन, कि मैं अपने पेरेंट्स की, माता पिता की हेल्प करता हूँ होम को क्लीन रखने में, घर को साफ स्वच्छ रखने में। आई कीप माई बेड एंड माई रूम टीडी, कि जो मैं अपने जो बेड है जिसपे मैं सोता हूँ, और अपने रूम को कैसा रखता हूँ, साफ और स्वच्छ। आई पुट माई बुक्स इन बुक शेल्फ, कि जो मेरी किताबें रखने की अलमारी है, उसमें मैं अपनी किताबें रखता हूँ। आई पुट माई टॉयज बैक इन माई टॉय बॉक्स, जो भी मेरा खिलौनों का डब्बा है, उसमें मैं अपने खिलौने रखता हूँ। जब भी मैं खेल के उन्हें क्या करता हूँ, उन्हें खिलौने के डिब्बे में वापस रख देता हूँ। आई हेल्प माई मदर टू रिमूव cobwebs from every corner of the room. I keep my shoes and slippers in the shoe rack. I put my clothes in cupboard. I help my mother in decorating and cleaning my home. अब वो क्या बता रहा है कि मैं अपनी मम्मा की कैसे हेल्प करता हूँ, कि जो मेरे शूज हैं, स्लीपर्स हैं, कहाँ पर रखता हूँ, शू रैक में, मतलब जहाँ पे हम जूते चप्पल रखते हैं, वहाँ पर जो रैक होता है, वहाँ पर मैं रखता हूँ। अपने जो कपड़े हैं उनको कबर्ड में रखता हूँ, और जब घर सजाने में अपनी मम्मा की हेल्प करता हूँ, और उसे साफ करने में भी मम्मा की हेल्प करता हूँ। अब करते हैं इसकी बुक एक्सरसाइज। देखो, पिक्चर्स ऑफ टू रूम्स, यहाँ पे आपको दो पिक्चर्स दी हुई है, एक क्लीन रूम की और एक मतलब अनक्लीन, जो डर्टी है रूम, उसकी दी हुई है पिक्चर, और एक क्लीन रूम की दी हुई है। तो आपको क्या करना है, इसमें क्या बताना है, फाइंड आउट एंड राइट द डिफरेंस बिटवीन दिस रूम, इनके बीच डिफरेंस बताना है, जो भी यहाँ पे क्लूज दिए हुए हैं यहाँ पे उनको लिखना है। जैसे रूम वन में क्या लिखोगे आप, कितना गंदा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई साफ सफाई नहीं है, तो क्या लिखोगे, रूम इज डर्टी। फर्स्ट वाले रूम में आप क्या लिखोगे, रूम इज डर्टी, ठीक है। फिर और क्या लिखोगे, रूम लुक्स अगली, कि कितना भद्दा लग रहा है, ये रूम वन में लिखोगे। देन थिंग्स आर स्कैटर्ड, ये भी आप रूम में वन में लिखोगे। जो बाकी आपके बचे पॉइंट आप रूम टू में लिखोगे, ठीक है, क्योंकि वहां पर क्या हुआ है कि रूम है जो बहुत ही अच्छा है, लग रहा है, और साफ और स्वच्छ लग रहा है, और जो सारी चीजें हैं वो अच्छे से रखी हुई हैं। नेक्स्ट देखो, फिल इन द ब्लैंक्स, वी रिसीव आवर गेस्ट, कि जब भी हमारे गेस्ट आते हैं तो हम उनको कहाँ बैठाते हैं, ड्रॉइंग रूम में, ये किस में आएगा, फर्स्ट में आएगा। वी टेक बाथ इन, हम नहाते कहाँ हैं, कहाँ पर नहाते हैं हम, बाथरूम में, यहाँ पे टू नंबर। वी स्लीप इन द, हम कहाँ सोते हैं, बेडरूम में। वी कुक फूड इन द किचन। फोर्थ, वी यूज डैश टू कीप थिंग्स, वी यूज स्टोर रूम टू कीप थिंग्स।
आज की हमारी वर्कशीट नंबर 17 है। सब्जेक्ट है आपका ईवीएस क्लास सेकंड के लिए। डे है थर्सडे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, क्या करना है आपको, राइट द डीड्स दैट यू डू इन द फॉलोइंग रूम्स ऑफ योर हाउस, कि आप कौन से रूम में क्या करते हो ये आपको लिखना है। जैसे स्टडी रूम में, स्टडी रूम में आप क्या करते हो, स्टडी रूम में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। फिर बेडरूम में हम क्या करते हैं, स्लीपिंग। किचन में कुकिंग। ऐसे ही ये आपको बाथरूम में जैसे आप क्या करते हो वो लिखना है, बाथिंग। जैसे ड्राइंग रूम में क्या करते हो वो लिखना है आपको यहाँ पे। फिर है व्हाट इज अ होम, होम किसे कहते हैं, अ होम इन विच वी लिव विद आवर फैमिली, कि जब हम अपने फैमिली के साथ रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, होम कहते हैं। विच रूम डू वी यूज टू ईट फूड, खाना खाने के लिए हम कौन सा रूम यूज करते हैं, डाइनिंग रूम। नेक्स्ट देखो, वेयर डू यू पुट योर बुक्स एंड टॉयज, कि आप अपनी बुक्स और टॉयज कहाँ पर रखते हो, कहाँ पर रखते हैं, बुक शेल्फ में और टॉय बॉक्स में रखते हैं। नेम एनी फोर प्लेसेज ऑफ अ होम, कि घर के कुछ ऐसे चार जगह बताइए कौन कौन से होते हैं, बाथरूम होता है, स्टोर रूम होता है, बेडरूम होता है, ड्राइंग रूम होता है। नेक्स्ट, डू यू हेल्प योर पेरेंट्स टू कीप द होम क्लीन, इसमें क्या आएगा कि आप जो अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हो हाउस को क्लीन रखने के लिए, यस। नेक्स्ट वन देखो, फिल इन द ब्लैंक्स, कि आपको इनमें से क्या करना है, इनमें से चूज करके जो ठीक है उस पर टिक करना है। पहले पिक्चर में देखो क्या है ये, क्या है ये, ड्राइंग रूम है या डाइनिंग रूम है, क्या है ये, डाइनिंग रूम है, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या है, स्टडी रूम है, स्टोर रूम है, तो ये क्या है, स्टडी रूम है। नेक्स्ट इज किचन या बेडरूम, क्या है ये, किचन, आपको पिक्चर्स को देख के टिक करना है। नेक्स्ट बाथरूम है या गार्डन है, ये क्या है, गार्डन है। ओके, थैंक यू।